तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आपने कमेंट किया और हम लेकर आए हैं आपके कमेंट का आंसर लेकर। जी हाँ, बायो सेवार्ट के नियम जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 4 भृगु धारा का चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ये नियम क्यों प्रतिपादित किया गया था, इसका जरूरत क्यों था, और इस नियम को भी समझेंगे कि ये नियम क्या है। और आपके सामने ये इतना बड़ा दोस्तों सूत्र जो है, उस सूत्र को भी देखेंगे कि कैसे प्राप्त किया गया है बिल्कुल आसानी से। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप समझना चाहते हो। अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र भी हो तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो इस टॉपिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों चलिए क्यों कर रहे हैं हम वेट, अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भृगु धारा का चुंबकीय प्रभाव आखिर है क्या। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको अच्छे समझने समझाने के लिए ये एक वायर लेकर आए हैं। तो बात 1820 की है, एक वैज्ञानिक क्रिश्चियन वेरस्टेड ने ये प्रयोग किया कि जब भी किसी दोस्तों चालक तार में से भृगु धारा दोस्तों प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के पास अगर कंपास को रखा जाता है तो उस कंपास की सुई दोस्तों विक्षेपित हो जाती है, यानी कि हिलने लगती है। तो इस चीज को देखकर उनका दिमाग की पत्ती चल गई और उन्होंने सोचने लगा कि ये कंपास की सुइयां तो चुंबक की बनी हुई है और ये तभी हिलेंगी जब कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ या उस क्षेत्र उत्पन्न हो। तो वे समझ गए कि जब भी किसी तार में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों बगल दोस्तों क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वही जो क्षेत्र बनता है चुंबकीय क्षेत्र होता है और जिसके कारण जब इसे कंपास आदि के पास लेकर जाया जाता है तो उसकी सुइयां विक्षेपित हो जाती है। दोस्तों उन्होंने ये तो बता दिया कि जब विद्युत धारा किसी चालक में से दोस्तों प्रवाहित की जाती है तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके चारों ओर। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे घूम रहा है इसके चारों ओर कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस पर विचार कर उन्होंने दोस्तों एक हमारा नियम दिया जिसे बात का नियम कहते हैं। बात के नियम के अनुसार मान लीजिए चालक तार है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस दिशा में, ओके दोस्तों इधर की दिशा में, तो अगर इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों उत्पन्न होगा ये पता लगाने के लिए कि कैसे होगा, इस तरह होगा कि इस तरह होगा जिस दिशा में धारा है उस दिशा में अंगूठा इस तरह कर लेना है। कौन से हाथ का अंगूठा करना है? राइट हैंड का। राइट हैंड का अंगूठा उस दिशा में कर लेना है और फिर तार को दोस्तों ऐसे पकड़ना है, अंगूठा उसी दिशा में हो जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों जिस तरह आपने तार को पकड़ा ना, इस तरह पकड़ा ना, तो इसी तरह दोस्तों, तो यही दोस्तों हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इस तरह हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यही धारा इस तरह प्रवाहित हो रही होती तो राइट हैंड का अंगूठा इस तरफ करते और फिर ऐसे दोस्तों हम पकड़ते तार को, तो ये हमारा अंगूठा कैसे हम पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं तार को इस तरह दोस्तों, यानी कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इस तरह दोस्तों उन्होंने बता दिया। लेकिन दोस्तों सोचिए, उन्होंने तो केवल हमें यही बताया कि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाह करने पर बनती है और उसकी दिशा भी कैसे पता लगाना ये बताया। लेकिन मान लीजिए कि तार है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, इसके पास में एक बिंदु रखा हुआ है, बिंदु हमारा कौन सा है, पी बिंदु, और इसमें से धारा बह रही है इधर की ओर दोस्तों, इस तरह दिशा की ओर। तो दोस्तों उनके नियम से तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस तरह बनेगा, कैसे बनेगा। तो अगर कोई बिंदु P है इस तार के पास, इसमें से धारा बह रही है, इसका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो हम कैसे पता लगाएं कि इस बिंदु पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कितना है, यानी कि उन्होंने उस वैज्ञानिक ने हमें ये नहीं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकाले, कि उसकी वैल्यू कैसे निकाले किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु मान यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, वो कितना है ये नहीं बता पाए दोस्तों वो वैज्ञानिक। तो 30 या 40 वर्ष बाद दो वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था बायोट एवं सेवार्ट, और इन दोनों ने दोस्तों एक सूत्र प्रदान किया जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसी सूत्र द्वारा हम किसी चालक जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है उसके पास किसी बिंदु P, A, कोई भी बिंदु हो उस पर हम क्या निकाल सकते हैं, परिणाम निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि ये बायोट सेवार्ट का नियम क्यों आया, क्योंकि इंटर वैज्ञानिक ने केवल हमें यही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, किस दिशा में बनता है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसका परिणाम कितना होता है किसी बिंदु पर। तो इस यही कारण है जिससे बायोट एवं सेवार्ट दो वैज्ञानिकों ने एक सूत्र का निर्माण किया जो आपके सामने है, जिससे बायोट एवं सेवार्ट के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्यों इस बायोट एवं सेवार्ट का नियम क्यों पड़ा है दोस्तों, इसे कहते हैं क्योंकि इसे दो वैज्ञानिक बायोट एवं सेवार्ट ने ही बनाया है। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं बायोट एवं सेवार्ट को, इस नियम को समझते हैं और इस सूत्र को प्राप्त करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया कि जो बायोट सेवार्ट का नियम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाल सकते हैं और दिशा का मान
ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक कौन कौन फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक बायोट तथा सेवार्ट ने यह नियम प्रतिपादित किया। ओके दोस्तों, वही उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था एक रेड कलर की दोस्तों हमने तार ली थी और वही यहाँ पर तार हमने बनाई हुई है, इस तरह तार है एवं उसके सामने इसमें से दोस्तों क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है। जब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और इसी निर्माण हो रहा है तो इसके पास दोस्तों एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर दोस्तों हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र यानी B की तीव्रता क्या होगी। ओके तो दोस्तों जो जो हमने बात यहाँ पर अभी हमने आपसे कही वही बात हमने यहाँ पर लिखी कि कोई ए बी चालक है, ए एवं बी क्या है एक चालक है जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो चीज है वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक में एक छोटे से अल्प अवयव की लंबाई डी एल लेते हैं। अब दोस्तों ये पूरे तार की लंबाई तो हमारी एल है लेकिन इसके कुछ छोटे से दोस्तों छोटे से अवयव यानी कि इस पूरे तार के छोटे से भाग की लंबाई जब छोटी सी बात हो गई ना दोस्तों तो वहां पर डी लगा देते हैं, यानी कि आप एल नहीं लेंगे इसको भी, इसको हम डी एल लेंगे। जब डी लग जाता है किसी भी भौतिक राशि के पास तो उसका मान क्या हो जाता है, छोटा होता है, यानी कि जो भी लंबाई है वो अत्यंत छोटी है। तो समझ गया कि डी एल हमने क्यों लिया इस छोटे लंबाई को। ओके फिर जो इसे दोस्तों अल्पांश कहेंगे क्योंकि ये बड़े से भाग का एक अल्प सा भाग है इसलिए ये अल्पांश इसे हम कहेंगे, और इस अल्पांश डी एल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को दोस्तों आप देखिए जब लंबाई हमने लिया है डी एल तो जो तीव्रता भी उत्पन्न होगी वो डी भी उत्पन्न होगी, बी उत्पन्न नहीं होगी, जब हमने लंबाई लिया है डी एल तो तीव्रता हमारी डी भी उत्पन्न होगी। दोस्तों अब आपके माइंड में आया होगा कि ये डीएल ही हमने क्यों लिया है, क्या हम तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक नहीं ले सकते थे, क्या यहाँ से यहाँ तक नहीं ले सकते हैं। दोस्तों धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पूरे तार में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह बन रहा है, लेकिन हमारा बिंदु पी जहाँ पर है उसी के तो सामने हम लेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रभावित हमारा इसी बिंदु के जहाँ पर पी है वही ना प्रभावित करेगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वही तो हमें प्रभावित वही प्रभावित करेगा इस बिंदु पी को, तो इसी के सामने वाली लंबाई को हमने लिया है डी एल, और इस डीएल से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो भी पी उसकी तीव्रता से ये प्रभावित हो रहा है उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने डीबी नाम दिया है। दोस्तों ये डीबी हमारा क्या है, डीएल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ओके और ये तीव्रता दोस्तों हमारे चार प्रभावों से प्रभावित होता है, ये चार कारणों से प्रभावित होता है। पहला चालक में प्रभावित धारा की यह अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये जो डीबी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो चालक में प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है डीबी। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर धारा का मान बढ़ा देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसके चारों ओर वो भी क्या हो जाएगा, अधिक तीव्र हो जाएगा, जिसके कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी, यानी ये बढ़ेगा तो हमारा ये भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, यही चारों पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो हम आपको अभी बता रहे हैं, इन्हीं चारों पॉइंट से सूत्र हमारा निकल कर आएगा। दूसरा पॉइंट है कि ये धारा अवयव की लंबाई या अल्पांश, धारा अवयव की लंबाई जो हमने अवयव लिया है छोटा सा भाग जिसे अल्पांश भी कहते हैं डीएल नाम दिया है, कि अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डीएल की लंबाई अगर हमने और बढ़ा दी तो हाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी ना। देखिए जब हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कर दी तो पहले चुंबकीय क्षेत्र यहां तक था, अब यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो दोनों मिलकर अधिक प्रभाव डालेंगे, तो हमारी डीएल की लंबाई बढ़ने पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी कि ये इन दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां थीटा अवयव की लंबाई बिंदु और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बना वाला कोण है। साइन थीटा क्या है दोस्तों, ये थीटा हमारा देख रहे हैं आप, ये जो हमारा अल्पांश है एवं ये जो बिंदु है इसके इसको मिला देंगे तो इस पे जो कोण बनेगा वही हमारी थीटा है, और धारा अवयव की लंबाई डीएल तथा बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, यानी कोई ए बी आपस में अनुक्रमानुपाती है तो इस तरह लिख देंगे, लेकिन जब बी हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसे एक बट्टे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। ओके तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। तो हमने हमसे यहाँ कहा गया है कि धारा अवयव की लंबाई यानी जो अल्पांश है दोस्तों हमारा इस जो तार ऐसे था यहाँ पर जो अल्पांश है दोस्तों छोटा सा भाग है, और पी जो पी बिंदु हमने यहाँ पर लिया है ये अल्पांश डीएल एवं पी बिंदु दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी आर के हमारा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डीबी हमारा आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी एक बटे आर के इस वर्ग के का व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब होता है कि जब ये हमारा बढ़ेगा ना, दोनों के बीच की दूरी हमारी दोस्तों बढ़ेगी आर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घटने लगेगा। आप तो ये जानते ही होंगे ना, अगर हमने पी बिंदु को यहाँ से हटाकर यहाँ तक कर दिया तो यानी इसके बीच की डिस्टेंस हमारी दोस्तों बढ़ गई, जब ये बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा ज़्यादा लंबा तो है नहीं, तो इस पर प्रभाव अब क्या करेगा, कम
डालेगा, क्योंकि अब ये तो इससे दूर हो गया ना, तो ये हमारा कम हो जाएगा जब ये बढ़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि धारा अवयव की लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी अगर r है तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये जब बढ़ जाती है इसके बीच की दूरी तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। तो दोस्तों बस ये 4 पॉइंट थे, इस 4 पॉइंट को अगर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पहला था धारा, दूसरा था हमारा अल्पांश, तीसरा था साइन थीटा एवं चौथा था हमारा ये व्युत्क्रमानुपाती दोनों के बीच की दूरी r। ओके दोस्तों, जब आप इन चारों को दोस्तों मिलाएंगे, पहला में हमारा धारा था तो आई, दूसरा में हमारा डीएल था तो डीएल, तीसरा में हमारा साइन थीटा तो साइन थीटा, और बटे में दोस्तों हमारा चौथा में आर स्क्वायर नीचे है तो इसको लिखेंगे, यानी कि डी भी हमारा सिंपली इस सभी चीजों के हमारी तीव्रता है दोस्तों, वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर साइन थीटा हमारा दोस्तों बढ़ेगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ओके दोस्तों, चौथा पॉइंट देखते हैं, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट था धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा पॉइंट था डीएल अल्पांश के अनुक्रमानुपाती एवं चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, और चौथा पॉइंट है दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है इसके। तो दोस्तों जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो हमारा डी भी सिंपली स्कल टू, तो नियतांक लग जाता है, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा है तो के नियतांक लगेगा और बाकी सभी चीजें डीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर उतरेगा। अब दोस्तों इसके नियतांक का मान होता है दोस्तों, के नियतांक का मान आपको पता होना चाहिए, क्या होता है μ0/4π, क्या होता है μ0/4π, इसी मान को यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो हमें वो समीकरण मिल जाएगा जिसके लिए दोस्तों हम इतना मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल कर आता है। दोस्तों ये फॉर्मूला आगे बहुत आपको काम देगा, न्यूमेरिकल वगैरह लगाने के लिए इसका यूज होगा एवं एग्जाम में भी दोस्तों ये इसका निकालने के लिए आता है कई बार। और दोस्तों आप चाहे तो इसमें कुछ और प्लस पॉइंट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो μ0 होता है इसका मान आप लिख सकते हैं, μ0 का हमारा मान होता है 4π×10⁻¹⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ओके दोस्तों, इसका मान आप रख सकते हैं इसमें, जब इसका मान दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो डी भी हमारा सिंपली इक्वल टू हो जाएगा। जब ये मान यहाँ पर रखेंगे तो नीचे से ये हमारा 4π 4π कटेगा तो बचेगा क्या, 10⁻¹⁷ इंटू में हमारा आर। तो यहाँ पर हमारा सिंपली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 2 सूत्र निकल कर आ गया है। दोस्तों ये कैसे निकल कर आया आपने हमारे साथ देखा। अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जानते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आ मिलते हैं एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।